हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंसर्ट टाइम में सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। फर्स्ट लेयर सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर आप सिग्नेचर दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं सिग्नेचर का, और ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे मैंने अपने सेंड अपने चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पर और ईमेल आईडी। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से सिग्नेचर मिल जाएंगे। इसे नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास डेट एंड टाइम। जैसे हम डेट एंड टाइम पर जाएंगे यहाँ से आपको जो भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको जो भी डेट एंड टाइप का स्टाइल पसंद है उसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसे आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे सामने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल को, पावर पॉइंट को, एमएस पेंट को, ये जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इन्हें आप एमएस वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो अब रिबन आपके सामने नज़र आ रहा है वो सभी का सभी जितनी भी कमांड्स है उसमें एक्सेल की हो चुकी है। यहाँ पर आप जिस तरह की भी एंट्रीज करना चाहें आप कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर करेंगे वो जैसे ही हम इससे बाहर जाएंगे वो फिर से वर्ड में ही आ जाएंगे। बाहर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार हम एमएस वर्ड के अंदर ही रहकर एमएस एक्सेल में भी अपना काम कर सकते हैं और उसे एमएस वर्ड में ला सकते हैं। इसे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर। जैसे हम जाएंगे यहाँ से जो भी आपके पास वर्ड की बनी हुई फाइल होगी उसे आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वेशंस। अगर हम इक्वेशंस पे वर्क करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इक्वेशंस पे जाएंगे। ये नंबर ऑफ टाइप्स की इक्वेशंस यहाँ पर बनी पड़ी हैं, इसमें से जो भी इक्वेशंस आपको चाहिए वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे बड़ा करना चाहें तो आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से इसे आप लार्ज भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको जिस तरह की भी चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर। अगर आप अपनी खुद की एक नई न्यू इक्वेशंस बनाना चाहते हैं तो आप इक्वेशन पे दोबारा जाएंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फ्रैक्शंस पे जाएंगे, जो भी आपको जिस तरह की भी वैल्यूज का स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ से अब सिंबल चाहिए वो हम यहाँ से इस तरह से एक न्यू इक्वेशंस भी यहाँ पर एम एस वर्ड में बनाई जा सकती है और हम आसानी से किसी भी इक्वेशन पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंबल्स। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंट्रोल अल्ट और आर यूज़ करते हैं तो आप रजिस्टर्ड सिंबल यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट और टी यूज़ करते हैं अगर आप TM ट्रेडमार्क से रिलेटेड सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल अल्ट और सी यूज़ करते हैं अपने कीबोर्ड से तो आप कॉपीराइट सिंबल को क्या कर सकते हैं यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स।
फिर से अगर हम सिंबल में जाएं, अगर आप मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे यहाँ से, देखिए आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी सिंबल चूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको इस सिंबल की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसका खुद एक शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर इसकी कोई भी की जो आप यूज़ ना करते, इसे कंट्रोल किया हुआ हमने इसे असाइन करी और क्लोज़ कर दिया, और क्लोज़ कर दिया। जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, आप कंट्रोल किया हुआ अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, आप इस सिंबल को यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पेशल्स में चलते हैं। स्पेशल करेक्टर्स में यहाँ पर देखिए इन सभी की शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइड भी करवाई गई हैं। अगर आप कॉपीराइट यूज़ करना चाहते हैं, कंट्रोल एड सी यूज़ करेंगे, कंट्रोल आर से आप राइट यूज़ करेंगे, टीएम के लिए आप कंट्रोल एड टी यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।